बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैं अपना रिव्यूज़ किन चीज़ों के बारे में देने जा रही हूँ। और मेरा आज का ये रिव्यू जो है, आप लोगों ने सही गेस किया, बिल्कुल आज भी मेरा जो रिव्यू है वो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक है। बाल जो हैं और आपके जो हेयर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत एसेंशियल पार्ट है। हमारे अगर बाल अच्छे हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मतलब डेलिकेट दिखेंगे। बट अगर हमारे बाल नहीं अच्छे हैं तो हम कुछ भी कर लें वो लुक्स नहीं आती। चलें आप जितना भी महंगा सूट पहन लें, आप जितनी महंगी शूज़ पहन लें, आप जितना अच्छा मेकअप कर लें, आप जो भी कर लें, लेकिन आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आएंगे। और आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बालों से रिलेटेड ही है। आप लोगों से जब डिस्कस करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई भी इंसान अपने बालों से सेटिस्फाई नहीं है। मतलब 90% लोग इस चीज़ पर ही हैं कि हमारे बाल जो है ना वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कई लोगों को प्रॉब्लम यह है कि हमारे बाल बहुत खुरदरे हो गए हैं, बहुत फंकी हो गए हैं। किसी से बात करें तो वो कहते हैं हमें ग्रे हेयर का मसला है, उसके साथ साथ बाल भी फंकी हो रहे हैं, बहुत डैमेज हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें रूट्स का मसला है, कई लोग कुछ कह रहे होते हैं, कई लोग कुछ कह रहे थे। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी ख्वातीन में से कोई भी औरत अपने बालों से सेटिस्फाई मुझे नज़र नहीं आती है। तो इसकी बहुत सी वजूहत है जिसको बहुत ज़्यादा मैं उसमें तो बारीक बीनी के साथ तो डिस्कस नहीं करूँगी। बट ये है कि सबसे पहले तो हमारी ग़ज़ाएँ आजकल वो नहीं रही हैं जो ऑर्गेनिक पहले कभी हुआ करती थी। हमारी अम्मियों के दौर में जो वो बताती हैं नानियाँ दादियाँ माएँ के हमारे दौर में तो ग़ज़ाएँ इस तरह से होती थी, बहुत प्योर बहुत ऑर्गेनिक होती थी। लेकिन आजकल वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। आजकल आप जितने भी भले पैसे खर्च कर लें लेकिन आपको चीज़ें ऑर्गेनिक और प्योर नहीं नज़र आती हैं। इतनी इम्प्योर चीज़ें हैं कि आपको प्योर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, खाओ वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, खाओ वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो पहली चीज़ तो यही है मुझे लगता है। और सेकेंडली क्या, इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा पानी का है। पानी के अंदर इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा कि वो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज डायरेक्ट कर रहा है पानी, जिसकी वजह से ग्रे हेयर का मसला है, जिसमें डैमेज है बालों के अंदर से इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, बालों के अंदर वो शाइन नहीं रही है, बहुत रिंकल्स हो जाते हैं बालों में और बाल बहुत रूखे और झाड़ी नुमा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो तीसरा एक और फैक्टर है, वो फैक्टर जनाब ये है कि हम लोगों ने अपने बालों पर इतना केमिकल यूज़ किया है कि उस केमिकल को यूज़ करते करते भी हमारी बाल बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। आखिर किसी चीज़ की इंतहा होती है जब हम इसको इतने अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं। बल्कि आजकल तो मैंने देखा है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स दे आर यूजिंग हेयर कलर्स एंड अदर हेयर ट्रीटमेंट जो कि बहरहाल केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिन्हें कह देती हैं पार्लर वाली कि नहीं नहीं केराटीन करवा ले बाल सही हो जाएंगे। बहरहाल केराटीन भी तो एक केमिकल ट्रीटमेंट ही है ना, और इसके अलावा स्टिकिंग, रिबॉन्डिंग और हेयर कलर, हेयर डाई, ये वो सब कुछ आजकल तो स्कूल गोइंग गर्ल्स कर रही हैं। मतलब मैंने देखा कि 9th-10th की गर्ल्स जो है वो इन चीज़ों को अप्लाई कर रही हैं बालों पर, तो अभी तो उनकी सारी ज़िंदगी पड़ी है और फिर ग्रेजुअली उनके बाल ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं कि नहीं हमारे बाल ख़राब हो गए। खैर ये बहुत लंबी चौड़ी एक गुफ्तगू है जिसको मैं अपने किसी और वीडियो में करूँगी बहुत डिटेल में। बट आज मैं जिन चीज़ों पर रिव्यू देने जा रही हूँ वो है हमारे पास मॉर्फेसिस फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हैं कुछ, जिसके अंदर शैम्पू है और हेयर मास्क है, और इसके साथ ही आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये कुछ सीरम रखे हुए मेरे पास जी। तो ये जो आपको शैम्पू नज़र आ रहा है और ये जो हेयर मास्क नज़र आ रहा है ये तो है मॉर्फेसिस फार्मेसी के, और साथ इसके सीरम है ये फ्रेशिया के। फ्रेशिया के सीरम के बारे में आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको इन दोनों चीज़ों को अंडर रिव्यू करती हूँ। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इन चीज़ों को कभी यूज़ करना शुरू किया, मैं तकरीबन एक साल से इनको यूज़ कर रही हूँ। एक साल से मैंने अब जाकर वो भी अपनी जो है मेरी स्टाइलिस्ट है, मेरी जो हेयर एक्सपर्ट है उनके मैंने ना मशवरे से अपनी मैंने अब इन चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड किया है और मैंने दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा इसका यूज़ करना शुरू किया है, मतलब जो और प्रोडक्ट्स। बहरहाल मैं एक अरसे से तकरीबन एक साल से ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी और मैंने फ़िलहाल स्टॉप किया है क्योंकि मेरी हेयर एक्सपर्ट का कहना है कि जो एक चीज़ है उसको हम इतने कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक 1 ईयर इज़ मोर एनफ,
बहुत ज़्यादा है एक साल, और इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कोई और प्रोडक्ट्स बताई है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू करूँगी, लेकिन पहले मैं इन पर रिव्यू करूँ। जी मैं यही मैं आपको बताती हूँ कि मैंने करवाया था अपने बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन इटसेल्फ एक केमिकल ट्रीटमेंट है। बाल बहुत ज़्यादा फंकी हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम तो बहुत सिंस वेरी लॉन्ग, व्हेन आई वाज इन द 9th और 10th क्लास, तो मुझे ग्रे हेयर, मेरे फर्स्ट टाइम मेरे बालों में सफ़ेद बाल आया था, मतलब फ्रंट पर ना, मुझे ज़्यादा फ्रंट पर प्रॉब्लम है ग्रे हेयर का। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है हम इतनी छोटी एज में होते हैं और मदर्स जो होती हैं हमारी वो हमें मना करती है डेफिनेटली कि इसके ऊपर कुछ केमिकल अप्लाई नहीं करना है और ये वो। बहरहाल तब एक सफ़ेद बाल था जिसको मैंने नोटिस किया था व्हेन आई वाज इन द 9th क्लास। ग्रेजुअली जब मैं मैं ग्रेजुएशन में थी, उसके बाद फिर मतलब कॉलेज पे यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी लेवल पर जब मैं आई तो बालों का थोड़ा सा मसला ज़्यादा होता गया, बट गुज़श्ता 6-7 साल से मेरे बालों में काफ़ी सफ़ेद बाल आ गए थे, और जिसकी वजह से मुझे स्टिकिंग हेयर डाई वगैरह यूज़ करना पड़ा। तो बहरहाल मैंने किया क्योंकि आपको करना पड़ता है। तो उसकी वजह से मेरे बाल, हालांकि मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह हेल्दी हेयर और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट मैंने जब हेयर डाई वगैरह यूज़ किया और इसके ऊपर डिफरेंट जो मैंने स्टिकिंग वगैरह करवाई अपने बालों पर, उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा 5-6 साल के अरसे में रफ़ हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं केमिकल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इनको बंद करूँ, और यूजुअली मैं ज़्यादा हेयर डाई भी यूज़ नहीं करती अपने बालों पर क्योंकि मैं बालों पर मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहती। तो लास्ट ईयर मैंने सोचा कि बाल अब बहुत थोड़े फंकी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ब्रश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं और ये वो, तो मैंने कहा केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो लकीली मुझे बहुत अच्छी एक हेयर एक्सपर्ट मिली जिनसे मैंने अपने बालों का करवाया, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उनसे ये करवाया था। और उससे पहले मैं बहुत रिनाउंड किस्म के जो पार्लर्स हैं उनमें भी जाती रही थी, बहरहाल उनका काम भी अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस मामले में ना मुझे किसी ने बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बहुत फॉरेन क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम सीखा हुआ है। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों उनके पास गए, और मेरी सिस्टर ने और मैंने हमने उनसे केराटिन ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया, और यूजुअली लोग कहते हैं कि केराटिन या एक्सटेंसो भरा केमिकल है उनके बाद बाल टूटने लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से किया और मेरे बालों में कोई हेयर फॉल, कोई ऐसा मसला शुरू नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे इस चीज़ की गारंटी दी कि आपका 7-8 माह ये केराटिन चलेगा। भला 7-8 माह तो नहीं चला, 6-7 माह वो एक बरकरार रहा, अच्छा रहा, बाल हल्दी लगे रहे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ साथ ये भी बताया कि आप मैक्सिमम इसके ऊपर केराटिन करवा सकती हैं, आप एक्सटेंसो या किसी और चीज़ का इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकती हैं। तो मैंने कहा क्योंकि इतनी अच्छा ये मशवरा दे रही हैं, वरना तो यूजुअली हम सैलून्स में जाते हैं तो वो हमें ऐसे ऐसे मशवरे दे रही होती हैं, ना वो देखती ना ताओ देखती हैं, हमारे बालों के साथ तजर्बे शुरू कर देती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप मैक्सिमम इसके ऊपर केराटिन करवाएं। मैंने केराटिन करवाया, उनसे ही करवाया, उन्होंने बहरहाल बहुत अच्छा किया मेरे। उसके बाद उन्होंने मुझे जो मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर ये वाला शैम्पू यूज़ करें, यह है मॉर्फोसिस का रिपेयर शैम्पू इनका, आप ये येलो कलर में इसकी मतलब उसके ऊपर इसकी पैकेजिंग है, और ये शैम्पू मैं तकरीबन पिछले अप्रैल से अब तक ये शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी और हेयर मास्क, और इसने मेरे बालों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। इसके अंदर एलास्टिसिटी शाइन लेके आए, केराटिन तो मेरा 6-7 माह तक रहा, लेकिन उसके बाद इस शैम्पू और इस हेयर मास्क ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसके साथ उन्होंने मुझे बताया था फ्रेशिया का सीरम। अच्छा, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं यूजुअली जब भी कोई सीरम यूज़ करती हूँ या मैंने कोई भी सीरम यूज़ किया है, जैसा कि मैंने आपको एक रिव्यू दिया था मिथिक ऑयल का, मिथिक ऑयल भी मैंने बहुत यूज़ किया है, बट मिथिक ऑयल ने भी मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ग्रीसी कर दिया था, शायद मेरे बालों पर सूट नहीं किया होगा। बट ये जो उन्होंने मुझे सीरम दिया है फ्रेशिया का, कोकोनट ऑयल का सीरम है, ये अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं कहती हूँ कि सीरम के मामले में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, और मैं सीरम को ही लेके आती थी, मैं मैक्सिमम 2 और 3 टाइम अप्लाई करती थी, उसके बाद मेरे बाल ग्रीसी, हेयर फॉल ये वो शुरू हो जाता था। लेकिन जब मैंने फ्रेशिया का सीरम यूज़ किया तो ये तो बस बहुत जल्दी इसकी मतलब वो ख़त्म, हालाँकि अच्छा खासा इसके अंदर क्वान्टिटी है इसकी, लेकिन ये मैंने 2 पैकिंग इसकी ख़त्म की है और तीसरी मेरी पैकिंग जो है वो चल रही है। तो
ये सीरम बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर लोग होते हैं जिनके बालों पर दूसरे सीरम सूट नहीं करते हैं, और लेकिन कोकोनट ऑयल है ये इन लोगों के लिए जिनके बाल डैमेज हो जाते हैं कलर करने की वजह से और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो उनके लिए कोकोनट ऑयल वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर कोकोनट ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स और हर चीज़ को बहुत प्रॉपर पोर्शन में देकर बहुत अच्छा सीरम तैयार किया गया है। तो ये सीरम बहुत ज़बरदस्त है, मुझे ये सीरम बहुत 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 पसंद भी, और माशाल्लाह से मुझे सूट भी बहुत ज़्यादा ही करता है। तो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू, और ये इट इज़ द हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। अच्छा, ये तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन से मैंने पूरा साल इनको यूज़ किया है और मेरे बाल मुझे अपने माशाल्लाह बहुत अच्छे लगने लगे हैं। मतलब दो तीन दिन तो आपके बाल बहुत ईजी और बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, फिर उसके बाद जब सारी सी बात है बाल थोड़े से आपके डर्टी होते हैं और वो सही तो आपको वॉश तो करना पड़ता है, लेकिन दो दिन तीन दिन आपके आराम से गुजर जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये वाले प्रोडक्ट्स आप लोग बाय करें जिनके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेजिंग का मसला है, जिनके बाल बहुत फंकी हो चुके हैं, जो केराटिन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो वो सिंपल भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें देयर इज़ नो हार्म इन इट, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों पे अप्लाई करें, आप फ़र्क देखेंगे, और अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो यू विल मोर देन सेटिस्फाई, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। तो ये तो मेरा इन चीज़ों के बारे में रिव्यू है, और इनको आप ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पर ही, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और आजकल मेरा ख्याल है रिपेयर शैम्पू ही जो इनिशियली आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। हम करते क्या है, हम जाते हैं और हम देखते हैं कि वो केराटिन शैम्पू ले लिया, वो कलर प्रोटेक्ट शैम्पू ले लिया, और वो सल्फेट फ्री शैम्पू ले लिया, और फलां फलां फलां, लेकिन आजकल जो हमारे बालों का हाल हुआ है, हमें सबसे पहले रिपेयर शैम्पू को यूज़ करना चाहिए, अपने बालों पर एक बेस बनानी चाहिए, उसके बाद हमें किसी और शैम्पू की तरफ आना चाहिए। तो भाई मैं तो चलती हूँ अकॉर्डिंग टू हेयर एक्सपर्ट, क्योंकि जो हेयर एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कि हाउ टू टैकल द हेयर, एक किस्म के वो हमारे बालों के डॉक्टर्स होते हैं, हमारे जो स्टाइलिस्ट हमारे हेयर एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपके बालों पर कौन से प्रोडक्ट सूट करेगी, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इतना एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन आपने उनका इंतखाब थोड़ा सोच समझ के करना है, आप देखेंगे कौन सी हेयर एक्सपर्ट बहुत अच्छी हैं। तो मुझे तो लकीली बहुत अच्छी हेयर एक्सपर्ट मिल चुकी हैं, और अगर कभी इम्पॉसिबल हुआ तो मैं उनको ऑन द स्क्रीन लेकर आऊँगी, और मैं उनसे डिफरेंट आप लोगों के क्वेश्चंस उनका आंसर लूँगी। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग था, ये आज की वीडियो थी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, बाय बाय।